हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिस तरह हमने हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम ऑलरेडी दो क्लासेस कर चुके हैं, दो सेशन कर चुके हैं, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ टाइप डिस्कस आप लोगों के साथ करे, जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। लाइक आपका परसेंटेज वाइज हमने करा, इससे पहली वीडियो में हमने बड़ी बड़ी एडिशन को करना सीखा, माइंड में करना सीखा। तो उसी लड़ी में हम आज आगे शुरू करेंगे, तो जिसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें रहेगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि हम इजीली किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालें, यानी किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, या फिर किसी नंबर का घन निकालें, या घनमूल निकालें, या फिर वर्गमूल निकालें, हम किस तरीके से स्क्वायर क्यूब निकाल सकते हैं। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अलावा भी पूरे मैथ्स में बहुत सारी जगहों पर इसका यूज आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है, तो आज हम उसी चीज के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बात करूंगा स्क्वेयर से, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वर्ग। अब देखिए, स्क्वेयर होता क्या है? जब किसी नंबर को इन मैथमेटिकल टर्म में अगर बात करूं, दो टाइम मल्टीप्लाई करते हो अपने आप से ही, तो वो क्या बन जाता है? स्क्वेयर बन जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे हमने क्या किया, m इंटू m इज इक्वल टू m स्क्वेयर। ये नंबर दो डिजिट का हो सकता है, ये एक का हो सकता है, ये तीन का हो सकता है, ये चार का हो सकता है, ये कितने भी डिजिट का आपका हो सकता है, तो ये क्या होता है, स्क्वेयर। और दूसरी अगर हम बात करें स्क्वेयर रूट की, अब यहां एक चीज देखिए, जब आपने एम को इस तरीके से लिखा तो वो बना एम स्क्वेयर, लेकिन दूसरी ओर अगर आप एम को इस तरीके से लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वेयर रूट बन जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, स्क्वेयर क्या होता है, स्क्वेयर का ऑपोजिट होता है। ठीक है, जब किसी नंबर को आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे वो स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन जब उसे आप सेम टाइम वापस फॉर्मेशन लाने के लिए डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 1/2 हमने करा, और इसी को ही हम साइन लैंग्वेज में क्या लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं कि ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आई होगी। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट बात आपके पास आती है, वो बेसिक सी बात आपके पास ये निकल करके आती है कि आपको स्क्वेयर अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये रहता है कि हमको चीजें अच्छे से याद नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आप कैसे इजी वे में स्क्वेयर को निकाल सकते हो? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बेसिक सी चीजें डिस्कस करूंगा। मान लीजिए आपको 12 का स्क्वेयर निकालना है, या फिर आपको 22 का स्क्वेयर निकालना है, या फिर आप समझ लीजिए 11 का स्क्वायर आपको निकालना है, या फिर आप समझ लीजिए आपको 15 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सिंपली मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, जैसे 12 का स्क्वायर निकालने की बात करते हैं हम। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो इकाई का अंक हो, यूनिट डिजिट जो होगा, ये इसका डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख देना है यहाँ पे, यानी कि 4। क्लियर है, यूनिट डिजिट का नंबर फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप। अब आपके इसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा, अब आपके ये जो दो डिजिट है, हमेशा याद रखिए हम इसको दो साइड में लेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि उसका डबल कर देंगे डायरेक्टली। कैसे, 2 1 2 2 2 कितने होते हैं, 4। फिर समझ लीजिए, 2 1 2 2 2 कितने होते हैं, 4। तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया, ये आपका क्या है, सेकंड स्टेप आ गया। और थर्ड स्टेप की अगर आप बात करो, जैसे 1 आ रहा है, तो 1 का आप क्या करोगे, फिर से स्क्वेयर कर दोगे। ठीक है, 1 का भी आप स्क्वेयर कर दोगे, तो कितना आ जाएगा थर्ड स्टेप में, 141 आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। फिर से समझिए, मान लीजिए आपको 22 का निकालना है, 22 का निकालने के लिए आपने क्या करना है, 2 का स्क्वेयर आपने पहले किया, 2 का स्क्वेयर आपने पहले किया, तो क्या हो गया, 4 आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, यानी कि आपको 2 2 4, 4 2 कितना हो गया आपका, 8 यहाँ पे निकल करके आ गया, और 2 2 कितना होगा आपका, 4 484 आपका 22 का स्क्वायर यहाँ पे निकल करके आ गया। अब मान लीजिए, फिर से मैं बोलता हूँ आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, फिर से समझिए, आपने क्या किया, 5 का स्क्वायर किया, तो क्या आ गया, अब देखिए यहाँ पे, अब जब तक तो आपका 2 2 क्या आ रहा था, 4 यहाँ पे निकल करके आ रहा था, अब देखिए आपने क्या किया, 2 2 आपने क्या, 5 5, तो आपके पास 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली क्या लिख देना है यहाँ पे, 5 आपने लिख देना है, 2 है तो 2 कैरी रखना है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब
फंजा क्या होते हैं, फाइव, फाइव टूजा कितने होते हैं, टेन, टेन प्लस टू कितने होते हैं, ट्वेल्व, ट्वेल्व पे क्या लिख देना है, टू, वन अभी भी आपने कैरी रखना है, मतलब दो डिजिट बच रहे हैं, वन वनजा क्या होते हैं, वन, वन वनजा क्या हो जाएगा, वन वन प्लस कितना हो जाएगा, वन, टू ट्वेंटी फाइव। फिर से समझिए जैसे डबल डिजिट की बात अगर हम कर रहे हैं, देखिए देखिए आपको मान लीजिए, आपको अभी मैं आपको बोलता हूं कि आपको 17 का स्क्वायर आपको निकालना है। मैंने छोटे छोटे नंबर लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो इनिशियली समझने में। अब देखिए 7 7 का करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 49, 49 तो दो डिजिट का है, ठीक है, हालांकि उसमें हम एक डिजिट लिखे तो कोई बात नहीं, आप उसका जो जैसे हम पावर लेते हैं, हासिल लेते हैं, उसी तरीके से लेना है। 7 7 का क्या हो जाएगा, 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 × 7 = 14, 14 × 4 कितने होते हैं, 18, ठीक है, 14 × 4 कितने हो जाएंगे, 18, एक बच जाएगा यहाँ पे, 1 × 1 = 1, 1 × 2 कितना आ जाएगा, 289। क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। तो ये सारे डबल डिजिट के आप 1 से लेकर 99 तक, पर 11 से लेकर 99 तक आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो मैंने बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं हम स्क्वायर रूट के इसके ऑपोजिट की। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की, इजी वे में आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, अब इस चीज को समझिए। लेकिन मैं आपसे इससे पहले थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा, एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट, स्क्वायर आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और मुझे लगता भी नहीं है कि इसमें कोई आपको दिक्कत होगी। 2 × 2 = 4 होते हैं, 3 × 3 = 9 होते हैं, 7 × 7 = फिर आपके 49 होते हैं, इसी तरीके से मुझे लगता नहीं है 10 तक के स्क्वायर में आपको कोई कभी दिक्कत रही होगी। तो देखिए मैं एक बार आप लोगों के सामने लिख भी देता हूं, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 16, 36, 49, 64, 81, और 10 का कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तो आपको बहुत जरूरी है याद रखने, क्योंकि स्क्वायर रूट तभी आपका इजी वे में निकल पाएगा। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा, अभी हमने नंबर निकाला 225, आपको पता है 15 का, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने इसका जो एंड वाला नंबर है वो देखना है। अब जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कोई नंबर लेता, मान लो कि मैं लेता यहाँ पे 144, दो अलग अलग नंबर में लेता। अब जैसे इसका फर्स्ट स्टेप में आपने देखा, एंड वाले नंबर पे आप आए, एंड वाले नंबर पे आपने ये चीज देखी कि 5 आने के बाद आपने देखा कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर के बीच में 5 कहाँ आता है, आपने ये चीज देखनी है। आपने ये देखा कि कहाँ आता है 5। अब ये चाहे 15 आ जाए, ये चाहे 25 आ जाए, ये चाहे 35 आ जाए, 105 आ जाए, ये 5 कभी हटेगा ही नहीं इसके यूनिट प्लेस से, क्योंकि 5 5 हमेशा ही 25 होते हैं, 5 5 हमेशा ही 25 होते हैं। और हमने बात किसकी की है, सिर्फ यूनिट डिजिट की यहाँ पे बात की है, तो 5 5 से क्या हो जाएगा, 25। आप क्या करोगे यहाँ पे, तो एक आइडिया आपको यहाँ से लगा कि ये किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जो इसके किसके ऊपर एंड करेगा, 5 के ऊपर एंड करेगा। ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप पे आपने सिंपली फिर समझ लीजिए आपने एंड वाला नंबर देखा, और एंड वाला नंबर में देखने के बाद आपने ये चीज देखी कि भाई ये किसके एंड पे आ रहा है। तो 5 आ रहा था तो आपने देखा कि 5 में आ रहा है, तो किसी कैसे नंबर का होगा मुझे नहीं पता, 15 हो सकता है, 35 हो सकता है, मुझे नहीं है इसका कुछ पता, लेकिन मुझे इतना यहां से जरूर पता लग गया कि भाई किसी एक ऐसे नंबर का ये स्क्वायर होगा जो कि क्या होगा, 5 पे एंड करेगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जैसे स्क्वायर ले रहे हो तो आपने दो जो ये वाले जो है ना इनको छुपा देना इस तरीके से, इनको देखना ही नहीं है नेक्स्ट स्टेप में, दो प्लेस, ठीक है, दो प्लेस में आपने देखना ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा ये वाला। अब ये जो नंबर बच रहा है, हमेशा ध्यान रखिए अगर 4 डिजिट का नंबर आ रहा है, 4 डिजिट का स्क्वायर रूट आ रहा है, तो भी आप एंड के दो ही हटाओगे, चाहे 5 डिजिट का तो भी आप एंड के दो ही हटाओगे और रिमेनिंग डिजिट को देखोगे, जितने बच्चे होगी, चाहे 2 बच्चे होगी, चाहे 4 बच्चे होगी, चाहे 3 बच्चे होगी, देखोगे आप रिमेनिंग डिजिट को। अब रिमेनिंग मेरे पास यहाँ 2 बचा तो मैं सिर्फ 2 को देखूंगा, तो मुझे ये देखना है कि 2 या तो किसी के स्क्वायर में आ जाए
या किसी के स्क्वायर में आ जाए या दो से कम वाला आ जाए, या दो किसी के नंबर के स्क्वायर में आ जाए या दो से कम वाला आ जाए। अब मैंने देखा कि दो दो तो अपने आप में किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, तो दो अगर किसी के स्क्वायर में अपने आप में ये नहीं आ रहा है तो आप क्या कर दोगे, इसके एग्जैक्ट पीछे वाला क्या ले लोगे, 15। आपका आंसर निकल करके आ गया, क्लियर है आपको? ठीक है, फिर से समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा 144, सभी को पता है 12 का है, तो देखिए, लेकिन हम देखें, हमने एंड वाला रिजल्ट देखा, फोर फोर कहाँ का आ सकता है? अब देखिए, यहाँ या तो टू पे आ सकता है या फिर एट पे आ सकता है। तो एक चीज मुझे यहाँ से ये चीज क्लियर हुई, इसका जो स्क्वायर है या तो टू पे ऐड करेगा या तो एट पे ऐड करेगा, क्योंकि टू टू जब फोर हमेशा रहेगा, चाहे 22 आए, चाहे 32 आए, चाहे 42 आए, और 8 8 64, फोर भी एंड में हमेशा ही बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब देखो, दो नंबर आपके पास आ गए, दो नंबर आपके पास आ गए, तो आपने सिंपल ये चीज देखी कि भाई दो है, चलो आपने दो प्लेस हटाए, पहुंचे आप एक पे, एक के लिए तो सिंगल एक रहता। अब ये तो या तो 12 का या तो 18 का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने अपनी सोच के हिसाब से कोई ऐसा नजदीक का नंबर ले रहे हैं। जैसे 10 का क्या होता है, 100। अब देखो, 100 से ये थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो ये 12, 100 से 18 नहीं, क्योंकि 18 के नजदीक आता है 20, 20 का होता है 400, 400 तो इससे बहुत ज्यादा है। तो ये आंसर क्या बन जाएगा इसका, 12 आपका बन करके आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीजें हैं ये क्लियर हो रही होगी स्क्वेयर के केस में, स्क्वेयर रूट के केस में। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको कोई बड़ा सा नंबर दे देता हूँ, लाइक आप देखिए, मैंने आपको बोला, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1225 का स्क्वायर रूट मुझे निकाल कर, चार डिजिट में आ गई ना कहानी। अब देखो, चार डिजिट की सिंपल सी बात है, अभी वही चीज करोगे आप, एंड वाला डिजिट देखोगे 5, किसी नंबर का 5 पे एंड कर रहा होगा ये, क्लियर है? और दूसरी चीज आप देखोगे कि आपने दो प्लेस हटाए, ये हटा दिए, अब यहाँ पे बचे कितने रिमेनिंग डिजिट, दो, 12 बचा, 12 बचा ना, पूरा साथ में देखना है, ऐसा नहीं कि दो बचा है, 12 पूरा देखना है। जैसे 12 12 12, अगर 133 कहीं आ रहा तो पूरा 133 आपको देखना है। तो देखो, 12 यहाँ पे बच रहा है, 12 बच रहा है। अब देखो, 12 के केस में आप देखिए, 2 2 तो होते हैं 4, चलिए कोई बात नहीं, 3 3 तो क्या होते हैं 9, 4 4 तो होते हैं 16। अब देखो, 3 इससे कम है, 3 क्या है, इससे कम है, 3 इससे कम है, लेकिन अगर आप देखोगे 4 तो इससे बड़ा भारी ज्यादा है, तो ये किसका हो जाएगा, कम वाला 35 का ये स्क्वायर हो जाएगा, आप चेक करके देख सकते हैं, क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्क्वायर रूट का पता लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप सिंपली समझिए, जब आप 35 की पावर 2 करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है, क्यों, 2 into 1/2 हो जाता है, तभी तो 1 बचता है, तो 1 की तो हम कोई पावर नहीं लेते, ये तब कट हो जाता है, तब हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनाते हैं, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर है आपको ये सारी चीजें? तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बेसिकली जो चीज होती है आपकी, ठीक है, अब कई बार स्क्वायर ऐसे आ जाते हैं, मान लो कि आपको 110 का स्क्वायर पूछ लिया, 111 का स्क्वायर आपसे पूछ लिया, ठीक है, हालांकि इस तरीके से भी वो हो जाता है, बट कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। लेकिन अब देखिए, अगर उस तरीके को आपको करना है या फिर कोई बड़ी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाती है, ठीक है, जैसे मैं आपके सामने अगर लिखूं कोई नंबर, मैं आपके सामने रैंडमली लेता हूं, मैंने आपके सामने कोई नंबर लिया, मैंने आपको दिया 101 into 101, है तो ये भी क्या है, 101 का स्क्वायर, ये है तो ये भी 101 का स्क्वायर है, लेकिन नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, या तो मैं ट्रेडिशनल वे में जाऊं इस तरीके से, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करते वैसे करो, या फिर ये हो सकता है कि मैं इसको ऐसे करते हूं कि 101 into 100 + 1, इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं, पहले इसको मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको मल्टीप्लाई फिर करूं, ऐड करूं, या ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, मैं बताता हूं मेरे पास क्या क्या अप्रोच है, फिर मैं आपको सबसे इजीएस्ट अप्रोच इसकी बताऊं। ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए, ये चीजें तो, पर ये चीज बहुत लेंथी सी हो जाती है थोड़ी सी, अगर 200 के बीच 700 800 करीब नंबर चला गया तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो लेकिन देखो, इसके लिए हम जो जो आपको मैं आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है, देखिए, इसके लिए जो हम यूज करेंगे,
वो हम यूज करेंगे बेस मेथड का। बेस मेथड आप समझ रहे हो, एक ऐसा बेस बना लो जो इजी हो, दोनों नंबर के करीब हो। अब जैसे आपने देखा कि 101 into 101 आपने कर लिया, तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 101 into 101, यही मतलब है इस चीज का। तो आपने सिंपली समझना है, अब यहाँ पे जो ये नंबर है किस बेस के नजदीक आ रहा है, आप देख रहे होंगे 100+1 हो रहा है, 100 बेस के करीब आ रहा है। तो यहाँ आपने बेस क्या लिया, आपने बेस यहाँ पे ले लिया 100, आपने 100 बेस ले लिया। अब एक चीज समझिए, देखो 100 से ये ऊपर कितना, ये कितना बढ़ रहा है, एक यानी कि +1 बढ़ रहा है, और यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है, दोनों ही क्लास में +1 बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए 101 में 1 प्लस किया, ठीक है, या फिर 101 में सेम ही बात आपकी निकल करके आ रही। अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब ये जो डिजिट आपने ऐड किए थे या जो बढ़ रहे थे, जो घट रहे थे, जो बेस के अलावा जा रहे थे, मतलब कि अगर जैसे 101 है तो एक एक्स्ट्रा जा रहा है बेस से, यहीं कहीं 105 हो तो 5 एक्स्ट्रा जा रहा होता, वहीं 110 हो तो 10 एक्स्ट्रा जा रहा होता, उधर ही 98 होता तो 2 कम जा रहे होते। तो जो बचे हुए डिजिट है आपके जो आपने लिखे वो आपने मल्टीप्लाई कर लेने हैं आपस में, तो 1 1 कितना होता है 1, क्लियर है आपको। तो आपका कितना हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 1। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना, जितने जीरो आपके यहाँ हो उतने ही आपके क्या होने चाहिए, यहाँ पे भी डिजिट होने चाहिए जितने जीरो आपके यहाँ। अब बाई चांस यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे सिर्फ आप एक डिजिट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 100 है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 डिजिट लिख रहे हैं। तो अब देखिए सिंपली, अब चाहे इस नंबर में ये ऐड कीजिए चाहे इस नंबर में ये ऐड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 101 ये कितना आ जाएगा आपका 101 102, आप चेक कर सकते हैं, क्लियर है आपको। तो कितना आ जाएगा आपका 101 201, क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए मुझे करना है 104 into 104, तो आप क्या कर दोगे +4 और +4, 4 4 से कितने होते हैं 16, आप यहाँ लिख दोगे, दो डिजिट लिखे तो पूरे आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 104 और कितने हो जाते हैं 108, ये आपका आंसर बन जाएगा डायरेक्ट। ये देखो ये यूनिवर्सल मेथड है, ये इवन आपका स्क्वायर क्यूब में काम नहीं आने वाला है, ये आपका काम आने वाला है कहाँ, जहाँ आपकी कोई भी बड़ी कैलकुलेशन आपके निकल करके आ जाती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब मैं मान लो मैं कोई और नंबर भी लेता हूँ, मान लो मैंने लिया 98 into 91 ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये भी 100 के बेस के नजदीक है, तो यहाँ देखो -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखो, माइनस है ना ये, देखो कई बार माइनस हो रहा होगा कई बार प्लस हो रहा होगा, तो माइनस माइनस तो आप सिंपली प्लस लेते, 2 1 क्या हो जाएगा 2 2 नहीं होके कितना हो जाएगा 0 2, हम इसको कितना लिखेंगे 0 2, क्योंकि 100 बेस आप ले रहे हो, 100 बेस मैंने आपको कही कि जितने जीरो होंगे उतने ही आपके यहाँ डिजिट भी बनने चाहिए। अब देखिए, अब 99 से चाहे -1 करो, 99 चाहे से -2 करो चाहे -1 करो, आना तो आपका 97 ही है, ठीक है। तो आपका कितना आएगा 9702 आपका यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। तो ये आपकी बेस कैलकुलेशन है, अब इसको 200 के करीब ले जा सकते हो, 300 के करीब ले जा सकते हो, 1000 के करीब ले जा सकते हो, इवन 40-50 के करीब भी ले जा सकते हो। आने वाले सेशन में मैं आप लोगों के सामने जरूर डिस्कस करूंगा ये सारी चीजें। तो ये आपका एक छोटा सा आज कैलकुलेशन बेस आपका सेशन था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा प्रयास है ये पसंद आ रहा होगा, और आगे आने वाले सेशन में हम इसकी फुल लेंथ जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी वो भी शुरू करेंगे, आपके अर्थमेटिक के चैप्टर्स भी शुरू होंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।